नमस्कार दोस्तों, जी इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी से आने वाली नई 70,000 भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो वीडियो को पूरी आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी कुछ समय पहले एसएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसके जरिए यही बताया गया है कि कुछ मतलब आने वाले दिनों में आयोग की तरफ से लगभग 70,000 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किया जाएगा। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कौन से पद रहेंगे, अब वो तो वही रहेगा कि जो एसएससी जारी करता है, जैसे 10+2, सीजीएल वगैरह, जीडी वगैरह और स्टेनोग्राफर, तमाम तरह की भर्तियां जो होती हैं, तो यही सारी चीज़ें रहेंगी। और ये नहीं बताया कि हम मतलब कि इतने तारीख तक, बस इतना बताया कि हम आने वाले दिनों में लगभग 70,000 नई भर्तियाँ आपको देने जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसी के साथ ही कल PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक ये जारी किया गया था कि लगभग यही दिसंबर तक में 15,247 लोगों की नियुक्ति करेगा एसएससी, मतलब कि नियुक्ति पत्र जारी कर देगा, ये चीज़ हो गया। तो कहने मतलब कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि 2 सालों में ना मतलब कि भर्तियों में तेज़ी लाया जाए, तो वही सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। तो कहीं कल को वैसा भी नहीं हो जाए कि एसएससी वीर भी हो जाए, तो अब देखिए जो भी होता है। तो आप लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके PDF डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंग।